नमस्कार। आज की खबर चैनल आप सबका स्वागत करता है। हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज कौन कौन सी खबरें लेकर आए हम आपको बताएंगे। दोस्तों आज की खबर चैनल में हम आपके लिए आज लेकर आए दोस्तों दो बड़ी खबरें। हमारी आज की पहली बड़ी खबर है आईकिया के फूड कोर्ट की वेज बिरयानी में कीड़ा मिला है, इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताएंगे। हमारी आज की अगली दूसरी बड़ी खबर है आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, इसके बारे में हम आपको कुछ बातें बताएंगे। शुरू करते हैं दोस्तों आज का हमारा खबरों का सिलसिला, और पहली खबर हम लेते हैं। हमारी आज की पहली बड़ी खबर आईकिया के फूड कोर्ट की वेज बिरयानी में कीड़ा मिला है, इसके बारे में हम आपको पूरी खबर बताने जा रहे हैं। हम आपको बताएं दोस्तों आईकिया स्वीडन की मल्टीनेशनल ग्रुप की कंपनी है, और दोस्तों हम आपको बताएं आईकिया ने अभी हाल फिलहाल में ही हैदराबाद के अंदर अपना एक स्टोर खोला था। और दोस्तों हम आपको बताएं एक खबर आ रही है कि आईकिया के फूड कोर्ट की वेज बिरयानी में कीड़ा मिला है, और दोस्तों इस बात की शिकायत करी है हैदराबाद के एक युवक ने। हम आपको बताएं दोस्तों एक युवक ने आईकिया के फूड कोर्ट से वेज बिरयानी ऑर्डर किया था, और दोस्तों हम आपको बताएं पैकेट में उसे बिरयानी के साथ कीड़ा और लार्वा भी मिला है। और दोस्तों हम आपको बताएं युवक ने जो कंपनी की वेबसाइट है उसके ऊपर यह तमाम जानकारी दी है, और साथ ही हम आपको बताएं हैदराबाद की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन GHMC में भी इस बात की शिकायत करी है। दोस्तों हम आपको बताएं यदि आप आईकिया के फूड कोर्ट से कुछ भी ले रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों एक बार आप चेक जरूर कर लें। और हम आपको यह बात बताएं दोस्तों कि जो दोस्तों यह युवक है इसने ट्विटर के ऊपर भी दोस्तों इस बात की इंफॉर्मेशन शेयर की है, और दोस्तों हम आपको बताएं जो इसने ट्विटर पर इंफॉर्मेशन शेयर किया दोस्तों उसने एक जो टैग है दोस्तों वह भी शेयर कर दिया है। और दोस्तों यह टैग शेयर किया है दोस्तों हम आपको बताएं कहाँ कहाँ टैग शेयर किया है। हैदराबाद पुलिस को, उद्योग व वाणिज्य मंत्री को, और नगर निगम व शहरी विकास मंत्रालय को, और आईकिया हैदराबाद को भी टैग किया है। दोस्तों हम आपको बताएं जो यह युवक है दोस्तों इसने आईकिया के फूड कोर्ट से जो वेज बिरयानी मंगाई थी दोस्तों उसमें कीड़ा निकला है, और दोस्तों हो सकता है कि और भी कई प्रोडक्ट है उसमें ना निकले, लेकिन दोस्तों हम आपको इस बात की जानकारी दें कि जो आईकिया के प्रबंधक ने इस बात की माफ़ी मांगी है कि आगे से ऐसा काम नहीं होगा। हाँ दोस्तों हो सकता है कि आने वाले समय में आईकिया अपने फूड कोर्ट में कुछ सुधार लाए। हमारी आज की अगली बड़ी खबर है आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे भारतवर्ष में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप भी दोस्तों हमारे साथ आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव मनाएं। हम आपको कृष्ण जन्माष्टमी से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे। हम आपको यह भी बताएंगे दोस्तों कि आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव है, आज के दिन आपको कृष्ण जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है। यदि दोस्तों आपके पास धन की कमी है, आपको धन लाभ चाहिए, तो दोस्तों आज के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने हैं। यदि दोस्तों आपके घर के अंदर सुख शांति नहीं है, तो दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आज के दिन आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए, और दोस्तों हम आपको कई बातें बताएंगे। तो दोस्तों पहले हम आपको यह बताते हैं कि जो हमारे कृष्ण भगवान है दोस्तों वह धरती पर आठवें अवतार के रूप में आए थे। हाँ दोस्तों आठवें अवतार के रूप में माने जाते हैं, और दोस्तों हम आपको बताएं जो पूरी दुनिया है वह कृष्ण भगवान को पूजती है। हम आपको अब यह बताने जा रहे हैं दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव पूरा भारतवर्ष मना रहा है। हम आपको पहले यह बताते हैं दोस्तों आज के दिन आपको श्री भगवान कृष्ण की पूजा किस प्रकार करनी है, आपको क्या क्या काम करना है पूजा के अंदर। दोस्तों पहला काम यह करना है कि आज आपको ब्रह्मचारी नियम का पालन करना है, और दूसरी बात यह है दोस्तों आज यदि आप व्रत कर रहे हैं तो दोस्तों आप सुबह से ही स्नान आदि कर लें, अपने नित्य कार्यों को पूरा कर लें। और दोस्तों अगला काम आपको यह करना है कि आपको आज सारा दिन कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन रहना है। और दोस्तों हम आपको बताएं इसके बाद आपको क्या करना है, जब शाम होती है दोस्तों शाम के समय काले तिलों के जल से आपको स्नान कर देवकी जी के लिए सूती का ग्रह नियत करना है। और दोस्तों हम आपको बताएं इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र को आपको स्थापित करना है। मूर्ति में बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हुई देवकी का चित्र यदि आपको मिल जाता है दोस्तों तो सर्वश्रेष्ठ माना जाता है।
और हम आपको बताएं दोस्तों, इसके बाद विधि विधान से आप पूजा करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी, इन सब का नाम लेकर दोस्तों इनको आप प्रणाम करें। और हम आपको बताएं दोस्तों, अंत में आप प्रसाद वितरण कर भजन कीर्तन करते हुए राति जागा करें। सारी रात आपको भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हो दोस्तों राति जागा करना है। और दोस्तों इसके बाद जो आपकी पूजा है दोस्तों वह संपन्न हो जाएगी। दोस्तों अब हम आपको यह बताने जा रहे हैं, यदि आपके ऊपर घोर संकट आए हुए हैं तो दोस्तों घोर संकट से आप किस प्रकार मुक्त होगे, इसके बारे में हम आपको कुछ उपाय बताएंगे। हम आपको बताएं दोस्तों, बिना कृष्ण के न तो सृष्टि का अस्तित्व है न ही पालन का। दोस्तों हम आपको बताएं, जो सारे ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, मानव, अशुभ, शुभ और दोस्तों जो सब कुछ है वह सब कृष्ण भगवान के अधीन माना जाता है। यहाँ तक दोस्तों जो शनि महाराज है दोस्तों वह भी कृष्ण भगवान के ही अधीन है। हम आपको बताएं दोस्तों, शनि का कृष्ण से क्या संबंध है। हम आपको बताएं, शनि देव श्री कृष्ण के परम भक्त माने जाते हैं। और हम आपको बताएं, उनके अंदर न्याय, ईमानदारी और अनुशासन कृष्ण कृपा से ही आती है। हम आपको इस बात की भी जानकारी दे दोस्तों, कृष्ण के ध्यान में डूबे होने के कारण उन्हें अपनी पत्नी से श्राप भी मिल चुका है। हाँ दोस्तों, इतने परम भक्त है शनिदेव। तो दोस्तों जो शनि देव हमारे ऊपर शनि की साढ़े साथी, शनि की ढैया लगाते रहते हैं, और दोस्तों वह शनि भगवान श्री कृष्ण भगवान के भक्त है। दोस्तों यदि हम श्री कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि हमारे ऊपर शनि का प्रकोप बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और दोस्तों जो हमारे ऊपर संकट है वह भी हमारे ऊपर नहीं रहेंगे। हम आपको और कुछ बातें बताने जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई। हम आपको बताएं दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कुल 108 नाम है, जिनके अंदर हम आपको प्रमुख नाम बताने जा रहे हैं, गोविंद, गोपाल, घनश्याम, गिरधारी, मोहन, बांके बिहारी जी, बनवारी, चक्रधर, देवकी नंदन, हरि और कन्हैया। दोस्तों हम आपको बताएं, अपने गुरु संदीपनी को गुरु दक्षिणा देने के लिए भगवान ने उनके बेटे दोस्तों जो उनका बेटा मर चुका था गुरु संदीपनी का, उसको जीवित कर दिया था। दोस्तों हम आपको बताएं अगली बात क्या है श्री कृष्ण भगवान की। श्री कृष्ण की कुल 16,108 पत्नियां थी, जिनमें 8 पटरानी थी। और दोस्तों हम आपको बताएं, कृष्ण देवकी की 8वीं संतान थे, 7वीं संतान बलराम थे। भगवान ने बाकी 6 को देवकी से मिलाया था। हम आपको बताएं दोस्तों, श्री कृष्ण से भगवत गीता सबसे पहले अर्जुन ने नहीं सुनी थी बल्कि हनुमान और संजय ने सुनी थी। हम आपको बताएं दोस्तों, हनुमान कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ में सबसे ऊपर सवार थे। दोस्तों हम आपको यह बता रहे हैं कि श्री कृष्ण भगवान का अंत कैसे हुआ था। हम आपको बताएं दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान का अंत हुआ था एक शिकारी के तीर के कारण। दोस्तों हम आपको यह बात बता रहे हैं, यदि आपके पास धन की कमी है, आप इस जन्माष्टमी के महोत्सव के ऊपर धन की कमी को दूर करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कौन कौन से उपाय करने चाहिए। हम आपको पहला उपाय बता रहे हैं दोस्तों, यदि आपके पास धन की कमी है तो पहला उपाय आप यह करें, तुलसी दल। हाँ दोस्तों, भगवान कृष्ण को तुलसी दल बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, इसलिए दोस्तों आपको क्या करना है, भोग लगाते समय कान्हा को तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को माखन मिश्री बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाँ दोस्तों, तो आपको क्या करना है, हम आपको बताएं, आप माखन मिश्री बाल गोपाल को भोग लगाएं और दोस्तों इससे क्या होगा, कृष्ण भगवान आपसे प्रसन्न होंगे। दोस्तों अगला काम आपको क्या करना है, पीले फूल। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को पीली चीजों से बहुत ही ज्यादा प्रेम है। हम आपको बताएं दोस्तों, पीले रंग के फल प्रसाद के रूप में बनाते हैं हम, जैसे पंजरी हुई दोस्तों, और जो भी पीले कपड़े होते हैं दोस्तों वह आपको आज के दिन पहनने चाहिए। दोस्तों इससे क्या होगा, श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे और आपके लिए धन की बरसात कर देंगे। दोस्तों अगली बात है मोर पंख। हाँ दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान को मोर पंख बहुत ज्यादा प्रिय होते हैं, मोर पंख भगवान कृष्ण के मुकुट में अवश्य लगाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, इससे यह होगा दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और दोस्तों हमने आपको बताया कि पीली चीजों से भी कृष्ण भगवान को बहुत ज्यादा प्रेम है, तो दोस्तों आप आज के दिन जो भी काम है दोस्तों वह सब पीले के रूप में ही करें, जैसे आप पीले कपड़े पहने, पीली रंग की मिठाई चढ़ाएं,
दोस्तों इससे क्या होगा, श्री कृष्ण भगवान आपसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और आपको बहुत सारा धन लाभ होगा। दोस्तों अब हम आपको कुछ उपाय बताएंगे कि आपकी मनोकामना कैसी पूरी होगी, आपको धन लाभ कैसे होगा, और दोस्तों हम आपको बताएंगे कि आप ऐश्वर्य की प्राप्ति किस प्रकार करोगे, और हम आपको ये भी बताएंगे दोस्तों कि आपको यदि व्यापार नौकरी में तरक्की लेनी है तो आप किस प्रकार लोगे। इन सब के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हम आपको पहले बताते हैं दोस्तों, यदि आपके पास धन नहीं है और दोस्तों आपके ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ है तो आपको आज के दिन क्या करना है, हम आपको बताएं दोस्तों। जन्माष्टमी के दिन आपको प्रातः काल स्नान कर लेना है दोस्तों। इसके बाद आपको राधा कृष्ण के मंदिर में जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी को पीले फूलों की माला अर्पण करनी है दोस्तों। इससे आर्थिक संकट दूर होने लग जाएंगे और दोस्तों धन लाभ के योग भी आपके प्रबल हो जाएंगे। दोस्तों अगला हम आपको बताते हैं कि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको क्या करना है आज के दिन। हम आपको बताएं दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन प्रातः ही आपको स्नान कर लेना है दोस्तों। उसके बाद आपको दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर भगवान श्री कृष्ण को अभिषेक करना है। इसके बाद यह उपाय आप हर शुक्रवार को करें दोस्तों। इसके उपाय को करने वाले जातक से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और दोस्तों जो भी जातक की मनोकामना होती है उसको पूर्ण कर देती है। अगला हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यदि आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति करनी है तो दोस्तों आप किस प्रकार करोगे। हम आपको बताएं दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आज भगवान श्री कृष्ण को सफेद मिठाई, साबूदाने अथवा चावल की खीर, यथाशक्ति मेवा डालकर दोस्तों भोग लगाएं। और दोस्तों हम आपको बताएं, इसमें चीनी की जगह आप मिश्री डालें और तुलसी के पत्ता भी दोस्तों इसमें अवश्य डालें दोस्तों। इससे श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न होंगे और आपको ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। दोस्तों यदि आपको धन यश की प्राप्ति करनी है तो आप किस प्रकार करोगे, इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों हम आपको बताएं, भगवान श्री कृष्ण को पीताम्बरधारी कहते हैं और दोस्तों पीताम्बरधारी का अर्थ होता है पीले रंग के वस्त्र पहनने धारण करता हुआ। हाँ दोस्तों हम आपको बताएं, इसलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन किसी भी मंदिर में भगवान के पीले रंग के कपड़े, पीले फल, पीली अनाज और दोस्तों हम आपको बताएं पीली मिठाई दान देने का रिवाज होता है दोस्तों। दोस्तों यदि आप ये काम करते हैं तो आपको धन और यश की प्राप्ति होगी। दोस्तों हम आपको बताएं अगला बात क्या है, अगली बात यह है दोस्तों श्री कृष्ण भगवान के बारे में, यदि आप सर्व कार्य सिद्ध करना चाहते हो तो दोस्तों आज के दिन आपको क्या करना है, हम आपको बताएं। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण जी के मंदिर में जटा वाला नारियल और कम से कम 11 बादाम चढ़ाएं दोस्तों। ऐसी मान्यता है कि जो जातक जन्माष्टमी के दिन शुरुआत करके श्री कृष्ण भगवान में लगातार 27 दिन तक जटा वाला नारियल और बादाम चढ़ाता है दोस्तों, उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं दोस्तों। उसके परिवार के अंदर धन का अभाव कभी भी नहीं रहता है दोस्तों। अगला हम आपको बताने जा रहे हैं, यदि आप व्यापार नौकरी में तरक्की करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, हम आपको बताएं। कई बार काफी कोशिशें करने के बाद भी दोस्तों व्यापार में तरक्की नहीं होती है और आपको नौकरी भी मन वांछित नहीं मिलती है दोस्तों, हम आपको बताएं इसके लिए आपको क्या करना है। इसके लिए आपको दोस्तों आज जन्माष्टमी का त्योहार है दोस्तों और आज के दिन आपको क्या करना है, आज के दिन आपको घर में 7 कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें खीर या सफेद मिठाई खिलाना है और उनको जो भी आपसे बन पड़ता है दोस्तों वह उपहार आज के दिन आपको देना है। और दोस्तों ऐसा आपको 5 शुक्रवार तक लगातार करना है दोस्तों। यदि आप इस प्रकार का उपाय 5 शुक्रवार तक लगातार कर लेते हो तो दोस्तों आपको व्यापार में तरक्की प्राप्त होगी और दोस्तों आपकी जो मन वांछित नौकरी है वह भी आपको मिल जाएगी और दोस्तों हो सकता है कि आपकी नौकरी के अंदर आपको प्रमोशन भी मिल जाए। अगला हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, यदि आप स्थायी सुख समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, हम आपको बताएं दोस्तों। जन्माष्टमी की रात को 12 बजे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय भगवान श्री कृष्ण का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करने से भगवान द्वारकाधीश की कृपा जीवन में स्थायी रूप से सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। हाँ दोस्तों आपको इस प्रकार का उपाय करना है दोस्तों। हम आपको बताएं, यदि आपका जीवन अस्थिर हो रहा है, आपके जीवन के अंदर बहुत ज्यादा संघर्ष है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, हम आपको बताएं। जन्माष्टमी के दिन आपको सुबह ही श्री कृष्ण भगवान के मंदिर में चले जाना है और दोस्तों वहां पर जाकर आपको क्या करना है, हम आपको बताएं। भगवान के गले में तुलसी के पत्तों की माला या जाप करने वाली तुलसी की माला डालनी है और दोस्तों हम आपको यह बात बताएं दोस्तों,
तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों इस मंत्र का जाप आपको 5 से 11 बार करना है। और दोस्तों हम आपको इस बात की जानकारी दी, यदि आप ऐसा कर लेते हो दोस्तों आपके जीवन में जो अस्थिरता चल रही है और दोस्तों संघर्ष चल रहा है आपके जीवन में, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। दोस्तों अगला हम आपको बताएं, यदि आपके परिवार के अंदर सुख शांति नहीं है, आप अपने परिवार के अंदर सुख शांति बनाए रखना चाहते हो, तो दोस्तों आपको आज के दिन क्या करना है हम आपको बताएं। आज जन्माष्टमी का महापर्व है दोस्तों। जन्माष्टमी संध्या के समय आपको घर में तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाना है और दोस्तों आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए तुलसी की 11 परिक्रमा करनी है। दोस्तों इससे क्या होगा, आपके परिवार में सुख शांति और प्रेम का वातावरण बना रहेगा। दोस्तों अगला हम आपको बताने जा रहे हैं, जीवन में आपको यदि सफलता प्राप्त करनी है तो आपको क्या करना है हम आपको बताएं। जीवन में यश और सफलता प्राप्त करने के लिए जन्माष्टमी के दिन से नित्य माथे पर पीले चंदन या केसर में गुलाब जल मिलाकर उसका आप तिलक लगाएं। दोस्तों इससे क्या होगा हम आपको बताएं, आपके जीवन में सफलताएं हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों आज कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव पूरे भारतवर्ष में और पूरी दुनिया में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। हमारा चैनल आज की खबर आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई देता है दोस्तों। और हम आपको ये कहते हैं दोस्तों, कृष्ण भगवान जिस तरह से दोस्तों अपने जीवन के अंदर सभी को खुशी प्रदान करी थी दोस्तों, उन्होंने सबका दिल रखा था, चाहे दोस्तों वह नंद हो, यशोदा हो, देवकी हो, वासुदेव हो, बलराम हो, राधा हो, रुक्मणी हो, दोस्तों उनके जो सखा है सुदामा, दोस्तों इन सबको श्री कृष्ण भगवान ने समान जगह दी थी अपने दिल के अंदर। उसी प्रकार दोस्तों आपको भी पूरे भारतवर्ष के जो लोग हैं दोस्तों, उनको समान जगह देनी है अपने दिल के अंदर। कोई भी आपके लिए छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हम भी आज हमारे चैनल की ओर से आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देते हैं। दोस्तों आपका जो आज का दिन है वह मंगलमय रहे। दोस्तों आप हमारा जो चैनल आज की खबर, उसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।